गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने एमएस वर्ड प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दिया है और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एमएस वर्ड जो कि प्रोफेशनल क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स को, लेटर्स को, रिपोर्ट्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और हम कोई भी फाइल को फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से एमएस वर्ड के अंदर। तो एमएस वर्ड बहुत ही बेसिक रहता है। कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी काम करना है तो एमएस वर्ड की सारी फैसिलिटीज का आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एमएस वर्ड शुरू से लेकर कंप्लीट सीखना है और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, तो वन बिट एक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एडिटिंग टेक्स्ट। इसमें हम करेंगे कट कॉपी पेस्ट टेक्स्ट के ऊपर कैसे करते हैं, अंडू रीडू क्या होता है एंड फाइंड रिप्लेस क्या होता है, ये आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट जब लिखा होता है, और यहां मैं एक टेक्स्ट जो कि बाय डिफॉल्ट भी हम लिखा हुआ इनबिल्ट लिखा हुआ टेक्स्ट भी उठा सकते हैं, और इसके लिए एक फार्मूला रहता है इक्वल टू आर ए एन डी। तो यहां पर मैंने टू लिखा जो कि नंबर ऑफ पैराग्राफ के लिए होता है कि मेरे को दो पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ के अंदर दो सेंटेंसेस चाहिए, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है जिससे हमारा बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। तो ये मेरा टेक्स्ट लिखा आ गया है, इसके अंदर दो पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ के अंदर दो सेंटेंसेज हैं। अब हम इस टेक्स्ट पर वर्क करके देखेंगे। तो अभी हमने करना क्या है, कट, ठीक है। तो आपको जो सा भी टेक्स्ट कट करना है, सपोज मुझे ये टेक्स्ट यहाँ नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से कट करूंगी। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है और कट करने के लिए ये जो क्लिप बोर्ड होम टैब का क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर कट दिख रहा है जो हम यहाँ से कट कर सकते हैं, और या फिर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट किया, अब वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ था वो वहां से कट हुआ है, हो गया है, ठीक है। अब आपको ये जो टेक्स्ट था वहां पे नहीं चाहिए था, कहीं और चाहिए था, तो आप जहां पे भी चाहिए वहां पर अपना कर्सर रखेंगे एंड देन ये करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कमांड को यूज करेंगे और पेस्ट के लिए शॉर्टकट की रहती है, दैट इज कंट्रोल वी, ठीक है। तो आप यहां से भी पेस्ट कर सकते हैं और जो टेक्स्ट वहां कट हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। सपोज हमें कट नहीं करना, हमें उसके एक कॉपी चाहिए, जैसे ये वाला जो टेक्स्ट है इसकी एक और कॉपी चाहिए मुझे, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और यहां से कॉपी यूज कर सकती हूँ, या इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल सी, कॉपी के लिए कमांड रहती है शॉर्टकट कंट्रोल सी भी कर सकती हूँ मैं। कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है। और मेरे को जहां भी वो टेक्स्ट पेस्ट कराना है, यानी उसकी कॉपी जहां पर भी चाहिए मुझे वहां कर्सर रखूंगी एंड देन पेस्ट, ठीक है। अब ये उसकी कॉपी, एक कॉपी यहाँ ऊपर है और एक कॉपी जो है यहाँ नीचे जो है क्रिएट हो गई है। तो ये था, कट पेस्ट कर सकते हैं हम या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कट कॉपी पेस्ट हमने सीखा, नेक्स्ट इज अंडू एंड रीडू। देखिए जैसे स्कूल हमने मैंने कोई एक्टिविटी की, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको एक कलर दिया, ठीक है। अब मुझे लगता है मुझे ये कलर नहीं चाहिए था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अंडू कर सकती हूँ। जो एक्शन मैंने किया है उसको अनडन कर सकती हूँ मैं, यानी एक स्टेप पीछे जाने को कहते हैं अंडू, और ये मैं अंडू कर दिया मैंने। अंडू के लिए ये जो है एरो की ये यूज हो सकती है, ये एरो यूज कर सकते हैं आप या फिर कंट्रोल जेड शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ अंडू। अब मेरे को लगता है कि मेरे को वही स्टेप करना था, तो मेरे को एक स्टेप अगर आगे जाना है तो मैं रीडू कर सकती हूँ, ये है रीडू के लिए, ठीक है। ये रीडू हो गया। कंट्रोल वाई ये इसका जो है शॉर्टकट की रहता है, तो अगर आपने कंट्रोल जेड किया तो आप एक स्टेप पीछे जाएंगे, लाइक मैं एक स्टेप पीछे आ गई, कंट्रोल वाई किया तो आप एक स्टेप आगे आ जाएंगे, ठीक है। ये था अंडू रीडू। नेक्स्ट इज फाइंड। अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइंड करना है, ठीक है, आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो है यहां से फाइंड में आएंगे, या इसका शॉर्टकट की है डेट इज कंट्रोल एफ यूज करेंगे, ठीक है। फाइंड किया हमने और यहाँ पे एक नेविगेशन फ्लोटिंग टूल बार आ गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप जो है अपना वर्ड लिख देंगे जो भी आपको फाइंड करना है, लाइक मुझे वीडियो ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जहां जहां इसको वीडियो मिलेगा ये वहां वहां जो है हाईलाइट कर देगा टेक्स्ट को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वीडियो जहां भी दिख रहा है वहां पे येलो कलर से ये हाईलाइटेड है। सपोज आपने फाइंड वैसे यूज करना है जो पुराने वर्जन में यूज होता था, तो आप एडवांस फाइंड पे आएंगे और यहाँ पे अपना वर्ड दे देंगे जो भी आपको फाइंड कराना है,
ठीक है, यहाँ पे वीडियो फाइंड किया, वर्ड लिखा हुआ है और ये आप फाइंड कर रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट किया, ठीक है। आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट में कहाँ फाइंड हो रहा है, ये फाइंड नेक्स्ट करते चलेंगे और ये जितना भी इसको वीडियो जहां जहां दिखेगा वहां पे ये कर्सर देता जाएगा, हाईलाइट देता जाएगा। जब इसका सारा फाइंड फिनिश हो जाएगा देन ये एक मैसेज दिखा देगा, डेट इज कि फाइंड इज ओवर, ठीक है। तो जहां जहां इसको वीडियो दिखेगा ये वहां वहां कर्सर दिखाता जाएगा ये फाइंड करते हुए। नेक्स्ट इज रिप्लेस। अगर आपको जो है रिप्लेस करना है, जहां पे भी वीडियो वर्ड है उसको रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से, ऑडियो वर्ड से, या फिर वीडियो की जगह हम लिख रहे हैं पिक्चर, तो जहां जहां हमारा वीडियो है वहां हमें पिक्चर लिखाना है, ठीक है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी ये फाइंड कर रहा है, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो ये वाला वीडियो दिखा दिया इसने, तो इस वीडियो को रिप्लेस करना है, खाली एक एक फाइंड को ही रिप्लेस करना है, एक वर्ड को ही रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और अगर जहां जहां सारा वीडियोज हैं सब कुछ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस ऑल करते ही जो है जहां जहां वीडियो था वहां सब जगह पिक्चर जो है रिप्लेस हो गया है, ये पिक्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर आ गया। तो इससे क्या, रिप्लेस ऑल से क्या हुआ कि जहां जहां इसको वीडियो फाइंड हुआ वहां वहां सब वर्ड्स को इसने रिप्लेस कर दिया पिक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। अब इसे आगे का लेक्चर जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर आपको लेक्चर इजी लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं।